रोमी, अरे मामा आप प्लीज आए ना बैठे। जी मामा, कोई काम था आपको? बेटा वो सादिया का फोन आया था, सारिम की बर्थडे है तो खाने पे इनवाइट किया उन्होंने। रोमी, मैं चाहती हूं कि तुम उस दिन थोड़ा सा तैयार होकर जाओ। तुमने तो अपना ख्याल रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, देखो तो बिल्कुल खाली हाथ है। किसके लिए तैयार हूं मामा? बेटा आहिल के लिए। मैं जानती हूं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, मेरे भी तो वो जिगर का टुकड़ा था, मैं भी तो भरपूर कोशिश कर रही हूं जिंदगी की तरफ लौटने की, लेकिन अल्लाह का कानून यही है बेटा, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता बल्कि उसकी यादों के साथ जिया जाता है। रोमी, अगर कोई हमसे कोई शिकवा गिला, हमसे कोई गलती हो गई हो तो बेटा माफ कर देना, वो नादानी में हो गया होगा, हमने जान के नहीं किया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है मामा, मुझे इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मैं इस घर को बिल्कुल अपना घर समझती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं तो मैं आपकी तरह रहना शुरू कर देती हूँ। मुझे आपकी और पापा की खुशी से ज्यादा कुछ अजीज नहीं। रूमी तुम बहुत अच्छी हो, तुम देखना बेटा अल्लाह तुम्हें इस कनीमुल बदल बहुत अच्छा देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खुश रहो।